साथ मैं हूं पुनीत। और चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। तो चुनाव प्रचार करने के लिए रायपुर पहुंची प्रियंका गांधी ने स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर आज माल्यार्पण किया और उसके बाद रायपुर शहर में उनका रोड शो हुआ। रायपुर के राजीव चौक से प्रियंका गांधी ने अपने रोड शो की शुरुआत की। रोड शो के दौरान जगह जगह प्रियंका गांधी का स्वागत भी किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह आतिशबाजी कर उनका स्वागत किया। रोड शो के पूरे रूट पर 300 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। वहीं 100 से ज्यादा पुलिस जवान यातायात व्यवस्था संभालते नजर आए। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के रोड शो को लेकर शहर में आधा दर्जन से ज्यादा सड़कों पर रूट डायवर्ट भी किया गया था। और उधर प्रियंका गांधी के रायपुर में चुनावी रैली पर बीजेपी के पूर्व मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल तंज कस रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस डूबती नैया है और इसको संभालने के लिए प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ पहुंची हैं। उन्होंने कांग्रेस का पुराना वादा याद दिलाना जरूरी समझा। उन्होंने कहा कि याद दिलाना इससे जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा किया था, उसका क्या हुआ। 20,000 रेडी टू ईट बनाने वाली महिलाओं का रोजगार छीना गया। छत्तीसगढ़ में अपराध को लेकर कांग्रेस ने चुप्पी साथ रखी। छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने कांग्रेस को इसलिए वोट दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम शराब बंद कर देंगे। उन्होंने कहा था कि हम गरीबों को 2 कमरे का मकान देंगे। उन्होंने कहा था कि हम महिला स्वसहायता समूह का कर्जा माफ करेंगे। आज छत्तीसगढ़ की महिलाएं कांग्रेस की धोखाधड़ी से प्रताड़ित है, कांग्रेस के झूठे वादों से परेशान है। रेडी टू ईट बनाने वाले 20,000 महिलाओं से उनका काम छीन लिया गया। प्रियंका जी कहती है लड़की हूं तो लड़ सकती हूं, और छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ में लगातार अनाचार हो रहा है। कल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रचार का आखिरी दिन रहने वाला है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की तरफ से दो दिग्गज नेता जीत के लिए अंतिम जोर लगाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रायपुर के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो राजधानी की 4 विधानसभा सीटों पर पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। अमित शाह 4 विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो करेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। राहुल गांधी बलौदाबाजार और बेमित्रा में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और वहीं कल अमित शाह रायपुर आने वाले हैं और उससे पहले छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर रायपुर पहुंचे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनकी खुद की गारंटी नहीं वो कांग्रेस गारंटी दे रही है। 1,00,000 रोजगार देने का वादा किया था, नहीं निभाया। हिमाचल में भी ऐसे वादे किए गए थे जो पूरे नहीं हुए। मैं कांग्रेस के 2018 के झूठे वादे और अधूरे वादे उनको आपको बताने आया। यहाँ तो गंगा जल की सौगंध खाकर कहा था शराब मुक्त करेंगे, नहीं किया। माँ गंगा का श्राप, कांग्रेस साफ। महादेव को भी नहीं छोड़ा। महादेव ऐप से 508 करोड़ की घूस, महादेव का श्राप, कांग्रेस साफ। युवाओं को कहा था रोजगार देंगे, बेरोजगारी पत्ता देंगे, नहीं दिया। नौजवानों का श्राप, कांग्रेस साफ। महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर 500 रुपए महतारी का कहा था, नहीं दिया। मातृशक्ति का श्राप, कांग्रेस साफ। किसानों से बड़े बड़े वायदे किए थे कि रमन सिंह जी की सरकार का भी बकाया बोनस देंगे, नहीं दिया। किसानों का श्राप, कांग्रेस साफ। रायपुर प्रचार के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा और महादेव ऐप को लेकर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट कांग्रेसियों की धुलाई के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है, कांग्रेस के फैलाए हुए कीचड़ में कमल खेलने के लिए तैयार है। भ्रष्ट कांग्रेसियों की धुलाई के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है। महादेव ऐप में खाने वाले करोड़ों रुपए की धुलाई अब छत्तीसगढ़ करने के लिए तैयार है। कांग्रेस के कीचड़ फैलाए हुए में अब कमल खेलने। भ्रष्ट कांग्रेसियों की धुलाई के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है। महादेव ऐप में खाने वाले करोड़ों रुपए की धुलाई अब
छत्तीसगढ़ करने के लिए तैयार है। और उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मुंगेली से प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधती नजर आई। लोरमी विधानसभा क्षेत्र में अरुण साह के लिए प्रचार करने पहुंची थी और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अपना विश्वास ही खो दिया है, बीजेपी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, जबकि कांग्रेस के साथ झूठे वादे, घोटाले और भ्रष्टाचार की गारंटी। अब बताओ लक्ष्मी से कभी झूठ बोला जाता है? लेकिन भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की लक्ष्मी से झूठ बोला कि नहीं बोला? महिला को क्या कहा, सिलेंडर मुफ्त देंगे, दिया कि दिया? नहीं नहीं दिया ना। महिला को क्या बोला, 500 रुपया भी देंगे, दिया? नहीं दिया ना। अरे जो शक्ति स्वरूपा को, घर की लक्ष्मी को छल जाए, गंगा जल हाथ में लेकर झूठी कसम खाए, महादेव का अपमान कराए, प्रभु राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए, ऐसे अधर्मियों को सहयोग न दो, घर की लक्ष्मी से कहने आई हूँ। 17 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ, अरुण जी को जिताओ और मोदी की गारंटी पाओ। छत्तीसगढ़ के रण में दो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी जीत के लिए जोर लगाते नजर आए, तो दूसरी तरफ प्रदेश में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे असम के मुख्यमंत्री ने बड़ा दावा किया। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी 60+ सीटें जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर के आखिरी तक मामला 50-50 का था, लेकिन अब बीजेपी ने बढ़त बना ली। अभी चुनाव का माहौल उल्टा हो चुका है, अभी तो लोग ये गिनती कर रहा है कि महादेव आपके लिए मैं स्टेट का कब गेस्ट बनूं, अभी तो वो उल्टा गिनती शुरू हुआ है। अभी तो उल्टा गिनती करिए कि कब आप सरकार का अतिथि बनने वाला है। छत्तीसगढ़ में लगातार आप दौरे कर रहे हैं, कितनी सीट के साथ भाजपा सरकार बना? मेरा जो मन है, जब सुबह पहला में जब आया था तब सिचुएशन 50-50 था, लेकिन अभी एक से पूरा सिचुएशन बदल गया है। मेरा लगता है कि हम 60 का आसपास पहुंच जाऊंगा, उससे भी एक दो ज्यादा ही हो सकता। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे और सूबे के मुखिया सीएम भूपेश बघेल भी प्रचार के मोर्चे पर टिके हुए हैं, बीजेपी की तरफ से होने वाले आरोपों की बौछार का बराबर जवाब दे रहे हैं। इस कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने पेंड्रा और कोटा में चुनाव प्रचार किया और अपनी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां गिनाई, तो दूसरी तरफ केंद्र की बीजेपी सरकार से लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर जमकर बरसती नजर आए। सीएम बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल की याद दिलाई और बीजेपी का प्रहार। बोला ये लोग, इनका काम है राम नाम जपना, पराया माल अपना। छत्तीसगढ़ में कितने राम की मूर्ति हम लोग लगा चुके हैं, ये लोग वर्षों में एक भी नहीं कर पाए हैं। कोरिया जिले में, रामगढ़ में, तुरतुरिया में, और उसके बाद सब शिवरी नारायण में, राजिम में, चंपारण में, चंदकुरी में, सिहावा में, इतने जगह भगवान राम की दिव्य मूर्ति हमने स्थापित की। राम वनगमन पर्यटन पर बनाया, 15 साल तक मौका मिला था, नहीं बनाया। तो ये राम के नाम से वोट मांगते हैं, राम हमारे दिल में बसते हैं, हमारे आस्था का विषय है। और भांजा हमारे तो भांजा राम है, क्योंकि माता कौशल्या यहाँ की बेटी है छत्तीसगढ़ की, तो हमारा तो रिश्ता है इन लोगों को, नहीं इन लोगों को वोट और नोट। असम के मुख्यमंत्री के अलावा उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए प्रचार करने आए हुए हैं। इस कड़ी में उन्होंने सूरजपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज प्रतापपुर विधानसभा पहुंचे, बीजेपी प्रत्याशी शकुंतला सिंह पोर्ते के पक्ष में मतदान की अपील की और मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के लिए बीजेपी की जीत जरूरी है, इस बार बीजेपी की सरकार बनना तय है। का प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग आए हुए हैं श्रीमती शकुंतला देवी पोर्ते जी के यहाँ पर चुनाव प्रचार में,
और निश्चित रूप में बड़ा अच्छा लोगों को लग रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना है और डबल इंजन की सरकार बनानी है ताकि केंद्र में भाजपा की सरकार रहे और यहाँ भी भाजपा की सरकार अगर चुनी जाए तो निश्चित रूप में डबल इंजन होगा और तेजी से विकास होगा। सबसे आग्रह करेंगे और निश्चित रूप में सनातन की रक्षा करनी और सनातन को बढ़ाना है। धर्मो रक्षति रक्षत, जो धर्म की रक्षा करता धर्म उनकी रक्षा करता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने लोरमी भाजपा प्रत्याशी अरुण साव को नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले को लेकर अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साध दिया है और कहा है कि कांग्रेस डर गई है और इसीलिए ऐसे पैतरे आजमा रही है। प्रशासन कांग्रेस के इशारे पर काम कर रही है और जिस प्रकार से आज कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है, जनता का सामना नहीं कर पा रही है, अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपना कर पार्टी के चुनाव प्रचार को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस के कोई भी मंसूबे नाकाम होंगे और जनता ने मन बना लिया है राज्य से कांग्रेस पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का। माताओं बहनों की तरक्की और बेहतरी कांग्रेस पार्टी को देखी नहीं जा रही है। कभी 75 साल में इन्होंने माताओं बहनों की तरक्की और बेहतरी के लिए काम किया नहीं, 5 साल से माताओं बहनों को धोखा देने का, ठगने का काम किया और अब जब भारतीय जनता पार्टी माताओं बहनों के तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रही है तो ये अलग अलग तरीके अपनाकर माताओं बहनों के खिलाफ काम कर रहे माताएं बहनें कांग्रेस। वहीं अंबिकापुर से बीजेपी प्रत्याशी राम कुमार टोपो ने कांग्रेस प्रत्याशी अमरजीत भगत पर तंज कसा, कहा कि नाच गाने कराकर बुलाई गई भीड़ है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी युवाओं को शराब पिलाकर भटका रहे। आज चाहे डीजे लगा लें, चाहे कुछ भी लगा लें, भले ही लोग ऑर्केस्ट्रा को देखने के लिए आ जाएं, लेकिन जन समर्थन दिल से किसके साथ जुड़ रही है यहाँ की सीतापुर की जनता जानती है। अमरजीत भगत जी को आज काला झंडा दिखा के गाँव से घुसने नहीं दिया जा रहा है, जगह जगह विरोध हो रहे हैं, ये साफ साबित होता है कि जनता आज बदलाव पे है। ये कहना बिल्कुल गलत है, कौन युवा किसके साथ है ये सीतापुर की जनता जानती है, लेकिन पैसे या दारू पिला के साथ घुमाने से कोई युवा साथ नहीं चलता है। ये यहाँ के क्षेत्र के युवाओं को इन्होंने गलत दिशा दे रहे हैं। मनेंद्रगढ़ के चिरमिरी से पर्चे के ऊपर पर्चा चिपकाने का मामला सामने आया। प्रचार प्रसार का पोस्टर ढक जाने के कारण कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव आयोग में शिकायत करने की बात कहने लगे। बीजेपी प्रत्याशी कह रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी का चेहरा इतना पॉपुलर नहीं जो ढकने की जरूरत पड़े, पूरे विधानसभा में मुझे बाई नेम बाय फेस जाना जाता है। कि भारतीय जनता पार्टी को अभी इतनी भी आवश्यकता नहीं हो गई है कि पर्चे के ऊपर पर्चा हम लगाएं, इतने बड़े पॉपुलर चेहरा नहीं कि उनके चेहरे को ढकने की जरूरत पड़े। श्याम बिहारी को एक एक बच्चा क्षेत्र में जानता है, हमारा पर्चा नहीं भी लगेगा तो एक एक व्यक्ति जानता है। 1,35,000 वोटर हैं, उसमें से मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं दावा करता हूँ 1,35,000 लोग मुझे बाई नेम बाई फेस मेरे को जानते हैं और मैं भी उसमें जितने वोट जीतने के लिए आवश्यकता होता है बाई नेम उतने वोटर को जानता हूँ, पहचानता हूँ। देखिए राजनीति में बिल्कुल स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए। अगर मेरे पोस्टर के ऊपर उनके कार्यकर्ताओं द्वारा मेरे चेहरे पे उनका पोस्टर लगाया गया है तो ये बहुत ही गलत है और इसके संबंध में निर्वाचन आयोग को मैं शिकायत करूंगा। और इस तरह का अगर कार्य करते हैं हमारे प्रतिद्वंदी श्याम बिहारी जी तो उनको अपने कार्यकर्ताओं को समझा दें। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। कलेक्टर और आरएसपी समेत पुलिस अधिकारी इस मार्च में मौजूद रहे। कलेक्टर ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने का सभी से आग्रह किया और सहयोग की अपील की। और जांजगीर चांपा में चुनाव के मद्देनजर जिला मुख्यालय में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान प्रेक्षक जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी भी इस फ्लैग मार्च में शामिल रहे। फ्लैग मार्च पुलिस कंट्रोल रूम से कचहरी चौक होते हुए नेताजी चौक से स्टेशन मार्ग में निकाला गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।